और वहीं देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर में आर नगर में शुरू हुआ मधुरा सुपर स्पेशलिटी पॉली क्लिनिक, जहां पर नई तकनीकों के माध्यम से मरीजों को बेहतर और सस्ता इलाज के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। क्लिनिक की एडमिन प्रियंका ने कहा कि हम यहां पर हड्डी, चेस्ट, जनरल मेडिसिन के साथ साथ जटिल ऑपरेशन की सुविधा भी आम जनता के लिए मुहैया करा रहे हैं। वही जेएमडी न्यूज ने डॉक्टरों से भी खास बातचीत की। मैं एक फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट स्लीप एक्सपर्ट हूँ। मैं आपकी नॉर्मल बीमारीज एंड ब्लड शुगर हाई एंड डाउन, ब्लड प्रेशर में चेंजेस एंड स्लीप में चेंजेस के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज डायबिटीज एक ग्लोबल बर्डन बन चुका है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हुई आपको और आपने सिर्फ फास्टिंग और पीपी देखा रिपोर्ट में कि हाँ उस दिन मेडिसिन खाने के बाद कंट्रोल आ गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी के दूसरे वाइटल ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे आपकी आई हो, अच्छे से फंक्शन कर रही हो। क्योंकि जब आपको शुगर होता है तो इन सारे ऑर्गन्स पर उसका इम्पैक्ट आता है। आपने क्या किया, कोई भी दवा किसी भी प्रिस्क्रिप्शन से आपने खाना शुरू कर दिया, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, आपको लगा ठीक हमारे डायबिटीज कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑर्गन्स पे डैमेज चालू हो जाता है। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर से आपको प्रॉपर सलाह के साथ डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ अकेले नहीं आती, डायबिटीज़ अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के मधुराज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसने एक नया ब्रांच जो है वो ओपन करी है। क्या खास होने वाला है इस ब्रांच में, मरीजों को लेकर के क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी, आइए यहाँ हमारे साथ डॉक्टर आदित्य मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि मरीजों को लेकर के क्या क्या वो सुविधाएँ जो है इस नए हॉस्पिटल में देंगे। डॉक्टर आदित्य, तो डॉक्टर आदित्य मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने नया हॉस्पिटल खुला है, नई ब्रांच खुली, इसको लेकर के मरीजों को क्या क्या सुविधा मिलेगी इसके बारे में। देखिए, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ इधर मधुराज हॉस्पिटल में, तो इस हॉस्पिटल में हम लोग का मेन एम ये है कि मधुराज हॉस्पिटल में 24/7 एक तो इमरजेंसी सुविधा मिले पेशेंट्स को, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हम लोग को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो हम लोग कर रहे हैं वो कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा कर रहे हैं, जो कानपुर में कहीं नहीं हो रहा है इस समय। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ साथ आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, जो लिगामेंट की सर्जरी होती है, उसमें भी हम लोग का खास ध्यान है, ताकि आधुनिक तकनीक से पेशेंट को सारी सुविधाएं मिल सकें और सारी 24/7 इमरजेंसी सर्विस मिल सकें। डॉक्टर आदित्य, जिस तरह से आपने कहा कि आधुनिक रूप से तमाम सुविधाएं जो है वो मिल सकें, लेकिन अगर बात की जाए आपकी स्पेशलिस्ट को लेकर के, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, मरीजों को आप क्या क्या मतलब चीज़ों को देखते हैं? सर, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो हम लोग का मेन एम इस समय यह है कि जैसे कोई अगर फ्रैक्चर केस आता है, एक्सीडेंटल केस है, उसको ऐसी सुविधा मिले ताकि वो अपनी लाइफ और आगे अच्छी कर सके। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो कई बार मरीज 5-6 दिन तक इधर उधर भटकता रहता है, उसके बाद भी उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। तो हम लोग का मेन एम यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज और सबसे नई टेक्नोलॉजी से उसका इलाज हो सके। तो ये थे डॉक्टर आदित्य नरुला, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, और उनका कहना है कि मरीजों को जो आधुनिकता के चलते नया इलाज मिलता है, जिस लोगों की इलाज जो है वो मरीजों के लिए बेहद अच्छा भी होता है और सरल भी होता है और साथ ही साथ सस्ता भी होता है, जिसके लिए लोग लगातार तरसते रहते हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पर सुविधाएँ जो है वो मरीजों को दी जाएगी। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ कुलभूषण दास, जेएमडी न्यूज कानपुर। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।